आई एम आयरन मैन। इसी डायलॉग ने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को शुरू किया था और पूरा इन्फिनिटी सागा ही टोनी स्टार्क से रिलेटेड था। आने वाले फेस 4 के लिए तो टोनी स्टार्क या आयरन मैन का कोई जिक्र नहीं किया गया, लेकिन उम्मीद है कि फेस 5 में हमें आयरन मैन जरूर दिखेगा, क्योंकि एवेंजर्स टीम आयरन मैन के बिना पूरी नहीं हो सकती। आयरन मैन वैसे तो एवेंजर्स एंड गेम में मारा गया था, लेकिन एमसीयू में बहुत से ऐसे तरीके हैं जिनसे आयरन मैन या तो वापस जिंदा किया जा सकता है, टाइम में पीछे जाके लाया जा सकता है, या फिर किसी और को एज अ आयरन मैन इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। वैसे तो आयरन मैन को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन अब आने वाले फेजेस में नए नए खतरे आने वाले हैं और उसके लिए स्टार्क लेवल के एवेंजर की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। तो आज इस वीडियो में हम 5 ऐसी पॉसिबिलिटीज़ को देखेंगे जिससे आयरन मैन को एमसीयू में वापस लाया जा सकता है। तो शुरू से लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। आयरन मैन 3 में दिखाया गया वो बच्चा हार्ली कीनर एंडगेम में आयरन मैन के फ्यूनरल में आने के बाद बहुत से फैंस की नज़र में है, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये बच्चा फ्यूचर में आयरन मैन की जगह ले लेगा, क्योंकि इसे भी टोनी स्टार्क की तरह टेक्नोलॉजी में लगाव था और इसने आयरन मैन 3 में आर्मर फिक्स करने में टोनी की हेल्प भी की थी। तो हार्ली कीनर भी एमसीयू में आयरन मैन की जगह लेने के लिए लाइन में है। रेरी विलियम्स को लोग अभी तो नहीं जानते क्योंकि इसे अभी एमसीयू में नहीं दिखाया गया। रेरी विलियम्स कॉमिक्स में MIT की एक स्टूडेंट थी जिसने अपना खुद का ही एक आयरन मैन आर्मर बना लिया था और उसके बाद रेरी विलियम्स को आयरन हर्ट के नाम से जाना जाने लगा। एमसीयू में कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में टोनी स्टार्क MIT के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को सितंबर फाउंडेशन की तरफ से उनके प्रोजेक्ट्स के लिए स्कॉलरशिप देते हुए दिखाया गया था। तो अगर उस सीन को रेरी विलियम्स से जोड़े तो हो सकता है उन्हीं स्टूडेंट्स में किसी एक को एमसीयू में रेरी विलियम्स की तरह इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए। और अब ज़्यादातर फ्रेंचाइजी पावर को ज़्यादा फोकस करने लगी है, तो हो सकता है ऐसा ही कुछ प्लांस मार्वल स्टूडियोज ने भी कर रखे हैं। एवेंजर्स एंडगेम के डिलीटेड सीन्स रिवील होने के बाद मुझे ये पता लगा कि एंडगेम में टोनी स्टार्क के स्नैप के बाद एक सोल वर्ल्ड का सीन था जिसमें टोनी स्टार्क की बेटी मॉर्गन स्टार्क के ओल्डर वर्जन को दिखाया गया और जिसका रोल 13 रीजंस व्हाई सीरीज के बेहतरीन एपिसोड में किया था। तो क्या होगा उसके लिए उसने अपनी फैमिली के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करके छोड़ा था, लेकिन क्या सच में टोनी स्टार्क ने बस इतना ही किया होगा? बिल्कुल नहीं। हो सकता है हमें जो मैसेज दिखाया गया वो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हो टोनी स्टार्क के किसी बड़े प्लान का और टोनी स्टार्क ने अपने मरने से पहले खुद की पूरी मेमोरी और इंटेलिजेंस को एक कंप्यूटर फॉर्म में स्टोर करके उसका जार्विस की तरह एक AI बना रखा हो जो वक्त आने पर खुद को रिवील कर दे। इस तरह का AI MCU में होने से लोगों को टोनी स्टार्क की कमी भी महसूस नहीं होगी, क्योंकि वो AI टोनी स्टार्क की तरह ही दिखता होगा और उसकी ही तरह बातें करेगा। और दूसरी बात, वो जरूरत पड़ने पे बाकी एवेंजर्स की टेक्निकल मदद भी कर पाएगा, क्योंकि टोनी स्टार्क एक फ्यूचरिस्ट था जो फ्यूचर के बारे में ही ज़्यादा सोच रहा था। तो टोनी स्टार्क को AI बनाकर वापस लाना बहुत अच्छा आइडिया होगा और उसको रॉबर्ट की वॉइस को यूज़ किया जा सकता है जिससे वो MCU से जुड़ रहे। लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमें कमेंट में बताएं कि आयरन मैन किस तरह वापस लाया जा सकता है। सब्सक्राइब करें हमें ऐसे और भी कंटेंट के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक यू बी स्ट्रॉन्ग।